जहाँ चाह वहाँ रह के प्रश्नोत्तर जो है वो हम करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा। ये दो प्रश्न क्लासवर्क में करने हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण कारण क्या है, ये किसने किससे कहा है, वो पाठ में से ढूंढ कर लिखना है आपको। दूसरा है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, ये भी पाठ में से ढूंढ कर लिखना है, किसने किससे कहा। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। तो इसका क्या मतलब है, जो कहानी का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, ये इस पाठ को क्यों दिया गया है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि कहानी का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, जो सर्वथा सार्थक है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कहानी में छोटे बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का जो निश्चय किया था वो नामुमकिन लग रहा था, असंभव लग रहा था, वो काम असंभव था, पर सिर्फ उनके जो हौसले थे उसके कारण वो पूरा हो सका, वो काम संभव हो सका। इसलिए काम तो पूरा हो सका और उसकी वजह से जो पाठशाला नियमित जाने की इच्छा जो थी उनकी वो भी पूरी हो गई। मनुष्य बुद्धिमान है और हर समस्या का हल ढूंढ सकता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस प्रकार हमें इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता बतानी है। सिर्फ ये बताना है कि ये जो कहावत है जहाँ चाह वहाँ राह, ये क्यों सही मायने में यहाँ पर पूरी होती है वो हमें बताना है। फिर तीसरा प्रश्न है, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। इसमें आपने कभी कोई घटना देखी होगी तो उस घटना का हमें वर्णन करना है। यहाँ पर हो सकता है कभी देखा होगा कोई छोटा सा भूकंप आया होगा, भूकंप की वजह से क्या क्या हुआ था उसका वर्णन आप कर सकते हैं, या कोई भी छोटी सी घटना जो आपके आसपास घटती है। हमारे हम कभी बाहर होते हैं और हम देखते हैं कि कोई हो सकता है कि किसी कोई पागल कुत्ता आ गया है, तो वो पागल कुत्ते की वजह से क्या हुआ है वो घटना हम लिख सकते हैं, या और कोई दुर्घटना हुई हो रास्ते पर, हम चलते चलते कभी कभी हमारे आँखों के सामने कोई दुर्घटना घटती वो हम लिख सकते हैं। तो किसी भी कोई भी घटना अच्छी हो या बुरी हो जो हमने देखी है, खुद अपने आँखों से देखी है, उस घटना का हमें वर्णन लिखना है। और वो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा लिखना है, एक 4 से 5 वाक्यों में वो लिखना है। उसके बाद है, इस कहानी का सारांश लिखो। तो ये जो अपना पाठ है, ये पाठ तो बहुत बड़ा है पर फिर भी उसे हमने छोटा करके लिखना है। अब इतने सारे पैराग्राफ से इस पाठ में, तो हमने इतने सारे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, उसे छोटा करके लिखना है। छोटा मतलब हम सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखेंगे और छोड़ देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। सारांश का मतलब क्या होता है, पूरी कहानी उसमें आनी चाहिए। हम जब सारांश लिखते हैं किसी भी घटना, किसी भी बात कहानी का, तो उसमें हमें A to Z सब कहानी उसमें आनी चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ उसमें आना चाहिए। सिर्फ वो बहुत शॉर्ट करके हमें लिखनी है, छोटी करके हमें लिखनी है। अगर 3 पैराग्राफ्स, बड़े बड़े 3 पैराग्राफ्स है, तो उसमें हमें सिर्फ 1 पैराग्राफ बनाकर उसका सारांश लिखना होता है। तो ये जो कहानी है, ये संभा गाँव की जो कहानी है वो हमें शॉर्ट में लिखनी है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे लिखनी है।
यह कहानी यसंबा गांव के बच्चों की है जो पाठशाला में पढ़ते थे। यसंबा गांव में एक नाला था जो गांव के दो भागों में बांट देता था। एक तरफ बस्ती और दूसरी तरफ खेत और पाठशाला थी। बरसात के दिनों में नाले में पानी भर जाता, तब बड़े बुजुर्ग अपने गाय बैलों के साथ खेत में पहुंच जाते, पर बच्चों का नाला लांघना मुश्किल हो जाता और वे पाठशाला नहीं जा पाते। एक दिन पाठशाला बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे और बरगद के पेड़ के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी समस्या हल करने के बारे में विचार किया। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। उन्होंने उनके हौसले को देखकर गांव के लोग और पाठशाला के शिक्षक सहायता के लिए आगे आए, पुल के लिए धन जमा किया और अंततः उनकी वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। नाले पर केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बना। एकता, संगठन और श्रमदान के कारण असंभव को उन्होंने संभव कर दिखाया। अब इस कहानी में पूरी कहानी आ जाती है। तो सारांश जो होता है वो ऐसे लिखना होता है। ये प्रश्न तुम्हें 10वीं तक आता है, तो हर बार जो जितने भी तुम्हारे प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न होता है, सारांश लिखने का जो प्रश्न होता है, वो उसके बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, 3 पैराग्राफ्स। अभी मैंने जैसे पूरा पाठ इतने कम वाक्यों में बताया, वैसे वो तुम्हें सारांश लिखना होता है। तो ये जो सारांश है वो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कैसे लिखना है, छोटा करके लिखना है। उसके बाद ये जो उद्देश्य और विधेय है जो पिछली बार मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए थे, वो भी अपने बुक में लिखने हैं, क्लास वर्क में लिखने हैं। और उसके बाद मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देती हूँ जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न उत्तर है, वो भी क्लास वर्क में लिखने हैं। ये प्रश्न है, प्रश्न एक है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, प्रश्न दूसरा है सही या गलत चिन्ह लिखो, उस वाक्य के सामने से वो वाक्य सही है या गलत है वो लिखना है, उसके बाद है दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। ये असाइनमेंट है।